नमस्कार दोस्तों, सागर के मोती में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनिए सिंहासन 32 का अगला अंक। एक बार फिर सभी तैयारियां पूरी होने पर शुभ मुहूर्त में राजा भोज ने जैसे ही सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, तभी पांचवी पुतली हवा में घूमती हुई आई और राजा भोज को विक्रमादित्य से संबंधित एक कहानी सुनाने लगी। एक दिन विक्रमादित्य अपने दरबार में राजकाज निपटा रहे थे, तभी एक ब्राह्मण दरबार में आकर उनसे मिला। उसने उन्हें बताया कि उनके राज्य की जनता खुशहाल हो जाएगी और उनकी भी कीर्ति चारों तरफ फैल जाएगी अगर वे तुला लग्न में अपने लिए एक महल बनाएं। विक्रम को उसकी बात जच गई और उन्होंने एक बड़े ही भव्य महल का निर्माण करवाया। कारीगरों ने उसे राजा के निर्देश पर सोने चांदी हीरे जवाहरात और मणि मोतियों से पूरी तरह सजा दिया। महल जब बनकर तैयार हुआ तो उसकी भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रम अपने सगे संबंधी और नौकर चाकरों के साथ उसे देखने गए। उनके साथ वह ब्राह्मण भी गया। विक्रम तो जो मंत्रमुग्ध हुए, वह ब्राह्मण मुंह खोले देखता ही रह गया। बिना सोचे उसके मुंह से निकला, काश इस महल का मालिक मैं होता। विक्रम ने उसकी इच्छा जानते ही झट वह महल उसे दान में दे दिया। ब्राह्मण के तो मानो पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह भागता हुआ अपनी पत्नी को यह समाचार सुनाने पहुंचा। इधर ब्राह्मणी उसे खाली हाथ आते देख कुछ बोलती, उससे पहले ही उसने उसे हीरे जवाहरात और मोतियों से जड़े हुए महल को दान में प्राप्त करने की बात बता दी। ब्राह्मण की पत्नी की तो खुशी की सीमा ना रही। उसे एक बार तो लगा कि उसका पति पागल हो गया है और यूं ही अनाप शनाप बक रहा है, मगर उसके बार बार कहने पर वह उसके साथ महल देखने के लिए चलने को तैयार हो गई। महल की शोभा देखकर उसकी आंखें खुली रह गई। महल का कोना कोना देखते देखते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं लगा। थके मांदे वे एक शयन कक्ष में जाकर निढाल हो गए। अर्ध रात्रि में उनकी आंखें किसी आवाज से खुल गई। सारे महल में खुशबू फैली थी और सारा महल प्रकाशमान था। उन्होंने ध्यान से सुना तो लक्ष्मी बोल रही थी। वह कह रही थी कि उनके भाग्य से वह यहाँ आई है और उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने को तैयार है। इधर ब्राह्मण दंपति का डर के मारे बुरा हाल था। ब्राह्मणी तो बेहोश ही हो गई। लक्ष्मी ने 3 बार अपनी बात दोहराई, लेकिन ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा तो क्रुद्ध होकर वहां से चली गई। उनके जाते ही प्रकाश और खुशबू दोनों गायब हो गई। काफी देर बाद ब्राह्मणी को होश आया तो उसने कहा, यह महल जरूर भूतिया है, इसलिए दान में मिला। इससे अच्छा तो हमारा टूटा फूटा घर है जहाँ चैन की नींद सो सकते हैं। ब्राह्मण को पत्नी की बात जच गई। सहमते सहमते बाकी रात काट कर तड़के ही उन्होंने अपना सामान समेटा और अपनी पुरानी कुटिया में लौट आए। ब्राह्मण अपने घर से सीधा राजमहल आया और विक्रमादित्य से अनुरोध करने लगा कि वे अपना महल वापस ले लें। पर दान में दी गई वस्तु को वे कैसे ग्रहण कर लेते? काफी सोचने के बाद उन्होंने महल का उचित मूल्य लगाकर उसे खरीद लिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट आया। ब्राह्मण से महल खरीदने के बाद राजा विक्रमादित्य उसमें आकर रहने लगे। वहीं अब दरबार भी लगता था। एक दिन वे सोए हुए थे तो लक्ष्मी फिर आई। जब लक्ष्मी ने उनसे कुछ मांगने को कहा तो वे बोले, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, फिर भी आप अगर देना ही चाहती हैं तो मेरे पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दें और मेरी प्रजा को किसी चीज की कमी ना रहने दें। सुबह उठकर उन्हें पता चला कि सारे राज्य में धन वर्षा हुई है और लोग वर्षा वाला धन राजा को सौंप देना चाहते हैं। विक्रमादित्य ने आदेश किया,
कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिस्से का ही धन उठाए, दूसरे के धन को कोई हाथ ना लगाए। ऐसा ही हुआ। सभी ने राज आज्ञा का सम्मान किया और बिना छीना झपटी के लोगों ने ईमानदारी और प्रेम भाव के साथ देवी के प्रसाद को समेट लिया। कहानी समाप्त होने के बाद पांचवी पुतली ने राजा भोज से पूछा, यदि आपके अंदर ऐसी प्रतिभा और ऐसे गुण हैं, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। यह कहकर पुतली वहां से हवा में अदृश्य हो गई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।